फ्रेंड्स, वेलकम टू आदिस क्रिएशन। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे ये पाइनएप्पल केक। अभी इस वाले पाइनएप्पल केक में हमने जो बेस यूज किया है, जो स्पॉन्ज यूज किया है, उसमें भी इसेंस का यूज किया है, और साथ ही में मैंने कलर से भी किस टाइप से हम लोग स्पॉन्ज बना सकते हैं, इसका ये डिटेल वीडियो है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे प्रीमिक्स यूज करेंगे, वेनिला प्रीमिक्स यूज करने वाली हूँ मैं। तो हाफ के जी केक के लिए नॉर्मली आप जितना भी प्रीमिक्स यूज करते हो वैसे ही यहाँ पे भी हमें यूज करना है। जितना भी आपको क्रीम यूज करना है, कम ज्यादा, उस हिसाब से हमें यहाँ पे प्रीमिक्स का यूज करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं प्रीमिक्स ऐड करूंगी। प्रीमिक्स मैं आज यूज करने वाली हूँ अराउंड 180 टू 220 ग्राम तक। आपके चॉइस से कितना भी प्रीमिक्स यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो नॉर्मली यहाँ पे मैं वेट स्केल का ही यूज करती हूँ, जिससे क्या होता है एक परफेक्ट मेजरमेंट भी मिल जाता है। बट अगर आपके पास ये नहीं रहेगा तो आप क्या कर सकते हो, एक तो आपको 1 कप प्रीमिक्स लेना है प्लस 1/4 कप प्रीमिक्स लेना है, जो कि हाफ के जी केक के लिए एकदम परफेक्ट मेजरमेंट है। तो उसका यूज करके आप एक नॉर्मल और एक प्रॉपर हाफ के जी स्पॉन्ज अच्छे से बना सकते हो, जो हाफ के जी केक के क्रीमिंग में भी आपको यूज हो जाएगा। अभी इसमें हम लोग ऐड करेंगे पानी। पानी आपको 1 कप ऐड करना है, और साथ ही में आपको ऐड करना है 1/4 कप ऑयल। पानी हमेशा एक साथ ऐड मत करो, क्योंकि इससे क्या होता है, कभी कभी जो अपना बैटर रहता है वो बहुत ही ज़्यादा लिक्विडी हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे मैंने ऑयल ऐड किया है। अभी इससे अच्छे से विस्कर से हम लोग मिक्स करेंगे, ताकि एक प्रॉपर फ्लोइंग कंसिस्टेंसी हमें मिल जाए। तो आप देख सकते हो एकदम अच्छे से यहाँ पे हमें मिक्स करके लेना है। बैटर जितना आपका प्रॉपर रहेगा उतना ही आपका जो केक बनेगा वो भी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो इसे अच्छे से इसी तरीके से मिक्स करके लेना है, और आपके पास अगर स्पैचुला रहेगा या स्पून की मदद से इसे अच्छे से अपने केक टिन में निकाल लो। अभी केक टिन आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने 6 इंचेस का केक टिन लिया है। 6 इंचेस का केक टिन नॉर्मली बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है हाफ के जी बेक करने के लिए। अगर आपके पास नहीं रहेगा तो आप नॉर्मल कुकर का डिब्बा भी यूज़ कर सकते हो। इसके बाद मैं यहाँ पे पाइनएप्पल इसेंस का यूज़ कर रही हूँ। 1 से 2 ड्रॉप ही यूज़ करना है। बहुत ही अच्छा इससे फ्लेवर आता है, बहुत ही अच्छा इससे टेस्ट भी आता है अपने स्पॉन्ज को। तो आपका चॉइस है, अगर आपको यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हो। अगर ये मेथड स्किप किया तो भी चलेगा, बिकॉज अपना जो क्रश यूज़ करते हैं हम लोग केक के क्रीमिंग में या केक के लेयरिंग में, उससे भी केक को बहुत ही सुंदर टेस्ट आ जाता है। तो इसके बाद इसेंस ऐड करने के बाद इसे अच्छे से सबसे पहले मिक्स करो, और हमें केक टिन में ये वाला बैटर जो है वो निकाल के लेना है। इसके बाद यहाँ पे मैं 1 से 2 ड्रॉप येलो कलर भी ऐड कर रही हूँ। टोटली आपके ऊपर डिपेंड है, अगर आपको यूज़ करना है तो कर सकते हो, अदरवाइज ये मेथड स्किप किया तो भी चलेगा। बट इससे भी कलर बहुत ही सुंदर आता है। नॉर्मली मैं कभी भी कलर ऐड नहीं करती हूँ, बट अगर कस्टमर की डिमांड रहेगी तो आप इस टाइप से थोड़ा सा कलरफुल केक बहुत ही अच्छे से बना सकते हो, और दिखने में भी ये केक बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखता है। तो आप देख सकते हो 1 से 2 ड्रॉप ऐड करने के बाद भी यहाँ पे बहुत ही सुंदर सा हमें कलर मिल चुका है बैटर को। तो इसे मैं अच्छे से टिन में उतारने वाली हूँ। अभी टिन में आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने जो पेपर यूज़ किया है, ये ऑडी का इकोबेक पेपर है। अगर आपके पास नहीं रहेगा तो आप ऑयल एंड मैदा के मदद से उसे केक टिन को अच्छे से ग्रीजिंग कर सकते हो। अभी यहाँ पे मैंने स्पैचुला से अच्छे से पूरा बैटर एक साथ करके लिया है। अभी इसके बाद मैं पूरा बैटर केक टिन में ट्रांसफ़र करूँगी। तो देख सकते हो यहाँ पे ऑडी का इकोबेक पेपर, नॉर्मली राउंड सर्कल कट में ये कटिंग्स पेपर मिल जाते हैं। जैसे कि अगर आपको 6 इंचेस के टिन के लिए चाहिए, 7 इंचेस के केक टिन के लिए चाहिए, तो प्रॉपरली मेजरमेंट के साथ ये कटआउट्स रहते हैं, तो आप इनका ज़रूर यूज़ कर सकते हो। अभी यहाँ पे मैंने पूरा बैटर टिन में अच्छे से ट्रांसफ़र किया है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, केक टिन को अच्छे से 2 से 3 बार टैप करेंगे। टैप करने से क्या होगा, जो भी एयर बबल्स आते हैं बैटर के अंदर वो अच्छे से निकल जाएंगे, और जो अपना केक है वो बहुत ही सुंदर बेक भी हो जाएगा, और कहीं पे भी उसे क्रैक नहीं आने वाला, या वो बीच में कभी भी कच्चा नहीं रहेगा। बहुत ही अच्छे से यहाँ पे अपना केक बेक हो जाता है। तो इसी तरीके से केक टिन को हमें टैप करके लेना है, और अभी इसे अच्छे से मैं बेक करूंगी एक 20 से 25 मिनट के लिए। और 20 से 25 मिनट के बाद थोड़ा सा ठंडा होने दे केक को, फिर आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर अपना यहाँ पे केक बेक हो चुका है।
अभी इसे अच्छे से एजेस लूज करके मैं इसके एक वाली लेयर कट करूंगी। अभी प्रॉपर प्रीमिक्स केक कैसे बनाना है इसका स्टार्ट टू एंड वीडियो चैनल पे पहले से अपलोडेड है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, जरूर चेक करना, आपको बहुत ही ज़्यादा यूज हो जाएगा। मतलब नॉर्मली आप केक का अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं रहेगा, ओटीजी नहीं रहेगा, फिर भी आप आराम से कढ़ाई में भी इजीली केक बेक कर सकते हो। देख सकते हो यहाँ पे नाइफ से मैं अच्छे से एजेस थोड़े से लूज करके ले रही हूँ ताकि केक डीमोल्ड भी बहुत ही अच्छे से हो जाए। और आप कलर भी देख सकते हो, जो हमने येलो कलर यूज़ किया था बैटर में उसका भी जो इफेक्ट आता है, जो कलर आता है, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर आता है। ये जो केक के क्रम्स है इन्हें अच्छे से निकाल दो ताकि क्रीमिंग करते टाइम आपका जो डिज़ाइन बनेगा उसके ये बीच में नहीं आएंगे और आपका जो क्रम कोटिंग भी आप केक को करोगे वो भी बहुत ही अच्छा यहाँ पे हो जाएगा। अभी इसके एक वाली तीन लेयर कट करेंगे। नॉर्मली तो मैं नाइफ का ही यूज़ करती हूँ, अगर आपके पास ब्रेड नाइफ नहीं रहेगा तो आप नॉर्मल घर का जो अपना नाइफ रहता है उसका भी यूज़ कर सकते हो। हल्का सा पोर्शन मैंने ऊपर का कट किया था ताकि जो हम लोग लेयरिंग करेंगे वो प्रॉपरली यहाँ पे हो जाए। और इसके बाद अभी केक के जो हम लोग एक वल तीन लेयर कट करके लेंगे, बहुत ही सुंदर सा यहाँ पे केक हमारा ये बन जाता है। देख सकते हो कलर भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हमारा यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद सेकेंड लेयर भी हम लोग सेम तरीके से कट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा सेकेंड वाला लेयर भी बहुत अच्छे से कट हो चुका है। इसके बाद हम लोग डायरेक्टली क्रीमिंग स्टार्ट करेंगे। अभी क्रीम में भी आप यहाँ पे इसेंस ऐड कर सकते हो, जो भी चॉइस का आपको कलर ऐड करना है वो कलर भी ऐड कर सकते हो। बस एक ही चीज़ का ख्याल रखना है, अगर आपको कोई भी क्रीम में कलर चाहिए या कलरफुल क्रीम चाहिए तो क्रीम को अच्छे से बीट करने के बाद उसमें कभी भी कलर ऐड करो। क्रीम बीट करते टाइम अगर आप उसमें कलर ऐड करोगे तो क्रीम आपका प्रॉपरली बीट नहीं होगा और बहुत ही ज़्यादा जल्दी मेल्ट भी हो जाएगा। तो आपको ये एक ट्रिक याद रखनी है कि कोई भी कलर का क्रीम बनाने के लिए आपको हमेशा क्रीम अच्छे से बीट होने के बाद रेडीमेड क्रीम में आपको वहाँ पे कलर ऐड करना है। अब यहाँ पे मैंने फर्स्ट लेयर रख दिया है और अच्छे से पानी से सोक भी किया है। यहाँ पे आप पाइनएप्पल सिरप भी यूज़ कर सकते हो। जस्ट आपको एक कटोरी पानी में थोड़ा सा पाइनएप्पल सिरप यूज़ करना है, उसे अच्छे से मिक्स करो, उससे भी आप केक को अच्छे से सोक कर सकते हो। बट मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्रीम ही मैंने ऐड किया है और उसके अंदर थोड़ा सा मैंने क्रश ऐड किया है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, डायरेक्टली केक के ऊपर ही करेंगे। अगर आप यूज्ड टू नहीं हो, आपको प्रॉपरली नहीं जम रहा है ये वाला मेथड, तो आप नॉर्मल एक छोटे कटोरी में क्रीम लेके उसमें थोड़ा सा क्रश ऐड करके क्रीम बना सकते हो और बाद में पूरे केक के ऊपर मतलब लेयरिंग में आप उस क्रीम का यूज़ कर सकते हो। तो इसी तरीके से अच्छे से हमें यहाँ पे क्रीम को स्प्रेड करते जाना है। और इसके बाद एक से दो स्पून जितना भी आपको चाहिए या जितना भी कस्टमर का डिमांड रहेगा उस हिसाब से यहाँ पे आपको क्रश ऐड करना है और अच्छे से इसे पैलेट नाइफ से स्प्रेड करते जाना है। अगर पैलेट नाइफ से भी आपको अगर प्रॉपरली यहाँ पे क्रीम या जो भी आपका ये क्रश रहेगा वो प्रॉपरली स्प्रेड करने के लिए नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, नॉर्मली स्पून से भी यहाँ पे क्रश ज़रूर ऐड कर सकते हो। इसके बाद केक का हम लोग सेकेंड लेयर यूज़ करेंगे। अभी यहाँ पे आप केक का टॉप वाला लेयर भी यूज़ कर सकते हो या अगर आपको नॉर्मली जो मिडल वाला लेयर था वो भी आपने यूज़ किया तो भी चलेगा। केक का एक प्रॉपरली हाइट बनाने के लिए हमेशा अगर आप केक का जो टॉप वाला लेयर रहता है वो अगर उल्टा करके यूज़ करोगे तो केक को अपने हाइट भी बहुत अच्छा मिल जाता है। इसके बाद सबसे पहले हमेशा मैं क्या करती हूँ, साइड से एजेस कवर कर लेती हूँ ताकि क्या होता है अपना जो केक का लेयर होता है या केक का बेस होता है वो बहुत ही ज़्यादा परफेक्टली बन जाता है और केक बनाते टाइम या केक अच्छे से बेक होने के बाद या पूरा क्रीमिंग होने के बाद डिलीवर करते टाइम कभी भी केक आपका स्लिप नहीं होगा, बहुत ही अच्छे से आपका केक फ्रीज में सेट हो जाएगा। तो आपको ये एक चीज़ याद रखनी है, हमेशा केक का जब भी क्रीमिंग करोगे तो साइड से भी हमेशा ध्यान रखना कि केक का जो आप क्रीम यूज़ कर रहे हो वो बहुत ही अच्छे से यहाँ पे आपको अप्लाई करना है ताकि केक आपका बहुत ही अच्छे से सेट भी हो जाए। तो यहाँ पे मैंने फिर से एक बार क्रीम ऐड किया है और थोड़ा सा क्रश यहाँ पे फिर से ऐड कर रही हूँ और अभी पैलेट नाइफ से इसे भी अच्छे से हम लोग मिक्स करेंगे।
पाइनएप्पल केक कार्टून केक टाइप में भी आप बना सकते हो, या अगर आपको नॉर्मली जो भी जिस भी पैटर्न में आपको यहाँ पे केक बनाना है आप उस पैटर्न में ज़रूर बना सकते हो। अगर आपको कार्टून केक्स देखने हैं क्रीम से या फोंडन से, मतलब सेमी फोंडन से, तो वो भी सारे वीडियो चैनल पे अपलोडेड है, एक बार ज़रूर चेक करना, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। अभी यहाँ पे मैंने फिर से केक के ऊपर एंड केक के साइड से क्रीम को अच्छे से स्प्रेड करके लिया है, और साथ ही में जो भी बेस पे एक्स्ट्रा वाली क्रीम है इसे मैं अच्छे से निकाल रही हूँ ताकि केक का जो क्रीमी है वो प्रॉपरली यहाँ पे हो जाए। और इसके बाद फिर से यहाँ पे थोड़ा सा क्रश ऐड करेंगे। और इसे भी ऐसे ही अच्छे से स्प्रेड करते जाना है। इसके बाद जो हमारा केक का टॉप वाला लेयर था वो यहाँ पे मैंने उल्टा यूज किया है। अच्छे से केक के ऊपर रखने के बाद फिर से हमें साइड से ही पूरा क्रीमिंग अच्छे से करके लेना है, जो भी होल्स रहेंगे या जो भी गैप रहेगा केक के बीच में वो अच्छे से फील करते जाना है ताकि केक प्रॉपरली यहाँ पे सेट हो जाए, और जो भी हमने लेयर्स बनाए हैं वो भी यहाँ पे प्रॉपरली बन जाए। तो ऐसे ही यहाँ पे हमने प्रॉपरली क्रीम अप्लाई किया है, और साथ ही में केक के ऊपर भी हम लोग अच्छे से पानी से सोक करेंगे और फिर से क्रीम अप्लाई करके वहाँ पे भी अच्छे से फिनिशिंग करके लेंगे। तो साइड से फिनिशिंग होने के बाद यहाँ पे मैंने केक को फिर से अच्छे से सोक करके लिया था, और फिर से यहाँ पे क्रीम ऐड करेंगे और एक प्रॉपरली क्रम कोटिंग करके लेंगे ताकि जो भी हम लोग फाइनल डिज़ाइन या जो भी हम लोग प्रॉपर डिज़ाइन बनाएंगे इसके बाद वो प्रॉपरली यहाँ पे बन जाए, और जो भी केक के छोटे छोटे क्रम्स रहेंगे वो केक के फिनिशिंग करते टाइम बीच में नहीं आएंगे। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे क्रीम ऐड करके लेना है और एक हल्का सा यहाँ पे क्रीम प्रॉपरली जो लेयर रहेगा वो अप्लाई करके लेना है। तो यहाँ पे हमारा अच्छे से क्रीमिंग हो चुका है। इसके बाद जो भी बेस पे एक्स्ट्रा वाली क्रीम है या जो भी वाटर रहेगा जो हम लोग पानी से सोक करते टाइम यहाँ पे गिर जाता है उसे हमें अच्छे से यहाँ पे निकाल के लेना है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से सबसे पहले क्लीनिंग करके लिया था। इसके बाद हम लोग डायरेक्टली डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। अभी डिज़ाइन स्टार्ट करने से पहले अगर आपको यहाँ पे आधे घंटे के लिए भी फ्रीज में आपको केक को रखना है तो आप रख सकते हो। इससे क्या होता है केक अपना बहुत ही अच्छे से सेट भी हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने क्रीम अप्लाई करना डायरेक्टली स्टार्ट किया है। नॉर्मल ही क्रीम यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ, कोई भी कलर वाली क्रीम अप्लाई नहीं कर रही हूँ। हम लोग क्या करेंगे केक को अच्छे से क्रीम से कवर होने के बाद यहाँ पे डायरेक्टली कलर अप्लाई करेंगे। तो आप देखोगे ही, सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने साइड से अच्छे से कवर करना स्टार्ट किया है। और साइड से अच्छे से कवर करने के बाद केक के टॉप पे भी हम लोग क्रीम अप्लाई करेंगे और अच्छे से यहाँ पे स्प्रेड करके लेंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा वीडियो का स्पीड इंक्रीज किया था, कुछ नहीं, बस प्रॉपरली यहाँ पे मैंने क्रीम से अच्छे से केक को कवर करके लिया है। और इसके बाद आप यहाँ पे स्क्रेपर का भी यूज़ कर सकते हो, या अगर आपको डायरेक्टली यहाँ पे कलर अप्लाई करना है तो आप वो भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से साइड से भी फिनिशिंग करके लिया और टॉप से भी फिनिशिंग करके लिया, और जो भी एक्स्ट्रा वाली क्रीम आई थी वो भी अच्छे से निकाल दी ताकि केक का जो क्रीमिंग और डिज़ाइन आएगा वो बहुत ही सुंदर आएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पैलेट नाइफ पे आप डायरेक्टली यहाँ पे कलर ले सकते हो और इस कलर को आपको जस्ट केक के साइड में अप्लाई करना है। तो आप इसी तरीके से अप्लाई कर सकते हो। नॉर्मल लिक्विड फूड कलर ही मैंने यूज़ किया है, ग्रीन कलर यूज़ किया है मैंने, और पैलेट नाइफ से इसे अच्छे से साइड से मैं स्प्रेड करते जा रही हूँ।
अभी यहाँ पे पैलेट नाइफ से अच्छे से स्प्रेड करने के बाद डायरेक्टली मैं स्क्रेपर का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि एक प्रॉपरली पैटर्न और प्रॉपरली डिज़ाइन हमें मिल जाएगा। देख सकते हो बहुत ही सुंदर सा यहाँ पे हमें डिज़ाइन मिल रहा है, और साथ ही में जो भी एक्स्ट्रा वाली क्रीम आएगी उसे भी अच्छे से निकाल लो, ताकि केक का जो क्रीम आएगा वो बहुत ही ज़्यादा क्रीम भी केक को नहीं लगेगा और डिज़ाइन भी बहुत ही ज़्यादा परफेक्टली यहाँ पे हमें मिल जाएगा। तो साइड से भी यहाँ पे मैंने अच्छे से स्क्रेपर से डिज़ाइन करके ले रही हूँ। बहुत ही सुंदर ऐसे पैटर्न मिल जाता है हमें। आप इसी टेक्निक का यूज़ करके पूरे केक को अच्छे से शेडेड इफेक्ट में भी कर सकते हो। देख सकते हो बहुत ही सुंदर यहाँ पे हमारा डिज़ाइन लग रहा है। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अभी जो ग्रीजिंग वाला ब्रश रहता है उसी से मैं यहाँ पे टेक्सचर करके ले रही हूँ। बहुत ही सुंदर सा यहाँ पे हमारा टेक्सचर भी बन जाता है। देख सकते हो आप एकदम हल्के हाथों से केक के ऊपर जस्ट हमें इसी तरीके से जो अपना ब्रश है इसे घुमाते जाना है, और साथ ही में टर्न टेबल को भी हमें टर्न करना है ताकि एक प्रॉपरली पैटर्न मिल जाए। और इसके बाद मैं फिर से एक बार जो भी एक्स्ट्रा वाली क्रीम है उसे अच्छे से निकाल के ले रही हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे एक बार फिर से स्क्रेपर का यूज़ कर सकते हो, ताकि एक प्रॉपर साइड से भी हमें एक शार्प एजेस मिल जाएंगे। तो यहाँ पे अभी मैं यूज़ करने वाली हूँ नूर का 1 mm नंबर का नोज़ल, आप एनवर नोज़ल भी इसे बोल सकते हो। इसे जस्ट पाइपिंग बैग के अंदर मैंने इंसर्ट किया, और एक थोड़ा सा लाइट शेडेड यहाँ पे मैंने क्रीम बना के लिया है, जिसके लिए मैंने येलो एंड ग्रीन कलर यूज़ किया है। तो आप देख सकते हो छोटे छोटे से यहाँ पे हम लोग रोजेट बना के लेंगे, और एक ही साइड से हम लोग डिज़ाइन करने वाले हैं। आपके चॉइस से यहाँ पे कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो। मिडल वाले दो रोजेट का डिज़ाइन बड़ा बनाने के बाद यहाँ पे मैंने थोड़े छोटे छोटे से डिज़ाइन बना के लिए, और उसके बाद फिर से अपोजिट साइड से भी यहाँ पे मैंने रोजेट का डिज़ाइन बना के लिया। बहुत ही सुंदर और बहुत ही बढ़िया सा ये डिज़ाइन लगता है। आप कोई भी स्पेशल थीम केक में इसका यूज़ कर सकते हो। और इसके बाद छोटे छोटे से यहाँ पे मैंने स्टार भी इसी नोज़ल से निकाले। बहुत ही सुंदर यहाँ पे हमारा ये पैटर्न लग रहा था। तो देख सकते हो यहाँ पे हमारा ये साइड से जो डिज़ाइन बना है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर बना है। इसके बाद अगर आपको यहाँ पे बॉर्डर बना के लेनी है तो आप सेम नोज़ल का भी यूज़ कर सकते हो, या तो अगर आप सेम एक नॉर्मल पाइपिंग बैग में क्रीम लेके एक वी कट देके जो हम लोग लीव्स के लिए डिज़ाइन बनाते हैं उसका यूज़ करोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे मैंने नॉर्मल पाइपिंग बैग में सेम कलर ऐड किया था, और इसी से अभी हम लोग फिर से डिज़ाइन करके लेंगे। एक अच्छे से छोटा सा यहाँ पे हम लोग बॉर्डर बनाने वाले हैं। तो हमेशा जैसे कि मैंने कहा, हमेशा जो भी बॉर्डर स्टार्ट करोगे आप, थोड़ा सा केक का जो भी पीछे वाला पार्ट रहेगा उस वहाँ से आपको स्टार्ट करना है, ताकि जो भी केक का बॉर्डर जहाँ पे भी ख़त्म होता है वो जो डिज़ाइन आता है वो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट आता है। तो इसी टेक्निक का यूज़ करके अच्छे से आपको यहाँ पे बॉर्डर बना के लेना है। आप यहाँ पे कोई डिफरेंट कलर भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आपको अगर पिंक या येलो या आपको रेड कलर यूज़ करना है, ऑरेंज शेड यूज़ करना है, तो आप उसका भी ज़रूर यूज़ कर सकते हो। बट मुझे ये एक थोड़ा सा लाइम ग्रीन कलर में ही पूरा केक बनाना था, इसलिए मैंने आज एक ही कलर, मतलब सिर्फ ग्रीन एंड येलो कलर कॉम्बिनेशन से ये आज का डिज़ाइन और आज का ये कलर इफेक्ट मैंने बनाया है। तो देख सकते हो आप बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही इजी तरीके से हमारा यहाँ पे पाइनएप्पल केक बन चुका है। अभी इसके बाद यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अगर आपको यहाँ पे केक का टैग ऐड करना है या केक के ऊपर जस्ट नाम लिखना है तो आप वो भी लिख सकते हो। यहाँ पे मेरा जो केक था वो एनिवर्सरी केक था, इसलिए मैंने एनिवर्सरी का टैग आपको जैसे चाहिए वैसे यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। जो भी आपको केक का फ्रंट पार्ट रखना है तो आपके चॉइस से आप यहाँ पे कहीं पे भी टैग लगा सकते हो। यहाँ पे मुझे एज इट इज़ केक रखना था थोड़ा सा साइड से ही, तो इसी पैटर्न में यहाँ पे मैंने टैग इंसर्ट किया, और आप देख सकते हो केक अपना बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है, और ये साइड वाला डिज़ाइन भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया सा बन चुका है। तो इसी के साथ हमारा यहाँ पे आज का केक बन के रेडी है। देख सकते हो बहुत ही सुंदर एंड बहुत ही इजी तरीके से आप कोई भी केक बहुत ही आसानी से बना सकते हो। तो इसी तरीके से आज का वीडियो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। मिलेंगे फिर से नए वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ और नए केक के रेसिपी के साथ। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को ऑल प्रेस करना, ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूंगी उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर आज का वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना।